बोला छोटा भाई डॉक्टर ये बैठा हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर के बारे में बोला छोटा भाई डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है। सर आपको बात करना पड़ेगा, क्यों सील किया हॉस्पिटल को? मैं थोड़ी किया हूँ। कौन किया है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप बात थोड़ा तमीज से कीजिए। कैसे बात कर रहे हो आप? आप किनसे बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता है कैसे करने आए? आप सील क्यों किए? तमीज है क्या बात करने का? किससे बात कर रहे हो आप? कैसे सील कर दिया? तमीज है आपको बात करने का? बदतमीज आदमी है, ऐसे बात करते हैं क्या? कैसे सील कर दिया आप हॉस्पिटल को? ऐसे बोलते हैं क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा डॉक्टर साहब, आप किनसे बात कर रहे हैं? नमस्ते किया? नमस्ते के भूखे हैं क्या? नमस्ते के भूखे हैं सर, कुछ भी बोल रही है। नहीं सर, उनका तरीका देखिए। डॉक्टर मैं भी डॉक्टर आपके सामने तो बोल रहे आप कैसे सील कर दिए हॉस्पिटल को? आप कैसे सील कर दिए? ये बोल है डॉक्टर से गलती कैसे बोल रहे हैं? तो 302 तो नहीं लगा लोगे ना आप? थोड़ा सा भगवान मत मानिए। भगवान है वो तो है, सिस्टम में किसी का मौत और जिंदगी का न तो डॉक्टर शिकार ले सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब कोई परेशानी परेशानी में कोई आदमी किसी के पास जा रहा है और कोई घटनाखंड तो मैं सर मैं माफी मांगता हूँ। डॉक्टर ब्रिजलाल का वसी बैठो चलो, ये हुआ नहीं मिल जाएगा। डॉक्टर को हम लोगों को पोलाइटली बात करना चाहिए। कलेक्टर बन के आ गए, कलेक्टर जी भी इतना ऐसा बात नहीं करे। तमीज से बात आप कौन सा हमारे अपने नहीं है यार। डॉक्टर को बता दिया, दुख में तो आते हैं और आपके आज दुख में आ गए हैं यहाँ तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इनको पहले हटा दीजिए यहाँ से, ये बात नहीं करेंगे। आप सर बात करिए, इनको हटा दीजिए, बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है सर, आप बोलो मैं हट जाता हूँ भाई। हम हट जाते हैं भाई, आप भी ऐसे मत बात कीजिए। वो जिस तरीके से बात किया हटा दीजिए उसको। अरे नर्सिंग होम उसका कैसे हटा देंगे? गलत तरीके से बात कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बात है सर। सर हमारे टीआई साहब, हम आपको नहीं बोल रहे हैं सर, हम उन व्यक्ति को बोल रहे हैं जो ऐसा बात किया हुआ। आप डॉक्टर साहब सर हमारे समाज के भी हैं, आप नहीं कैसे एडमिट हैं सर? वो हम रिफर करवा रहे हैं। नहीं रिफर तो करवा देंगे लेकिन जस्टिफाई होना चाहिए ना। अभी वो हो जाएगा, नहीं तो अभी करवाइए ना, सील करने से पहले करवाइए जस्टिफाई की कहाँ गलती हुआ है। बता रहे मिस्टर जी, आप बताइए कहाँ पे गलती किए हैं। बात की बात नहीं, अभी बताइए जो लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आदेश देंगे, रिफर करा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जस्टिफाई होना चाहिए ना, क्यों हो जाएगा? कब होएगा सर बताइए? कल मिल जाएगा। कल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो नोटिस दे रहे हैं होना चाहिए। जब आपको सील करने का आदेश आ गया ऊपर से तो उसमें कोई और क्यों ऊपर से आदेश आया तो वो किसी कारण। चलो रिफर करो यार, चलो कोई चर्चा नहीं करना, ठीक है? ऐसे नहीं होता सर। चलो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर से आदेश हुआ तो ऐसा नहीं की ठीक ऊपर वाले सील हुआ है, ऊपर से एक बार और चर्चा करना कोई दिक्कत है ना। चलो लेकिन इस टाइम डॉक्टर साहब कितने पेशेंट में रिफर कराओ, रिफरल आप लोग बनाओ। ठीक चलो रिफर करें, आप लोग ले जाइए यहाँ पर रिफर क्यों नहीं बनाएंगे? ठीक आप लोग ले जाइए, उठा के ले जाइए। आप लोगों क्या प्रोसीजर उसका फॉलो करो, ठीक ऐसा थोड़ी होता है। ठीक किसी भी पेशेंट के साथ किसी भी ह्यूमैनिटी के आधार पे इस टाइप में नहीं कर सकते। अगर है तो जस्टिफाई करके ले जाइए, इसमें क्या है? चलो ठीक सर, उसको जस्टिफाई आप रिफर नहीं करेंगे, आप लोग उठा के ले जाइए मरीज को, ठीक है? अब बात कर देंगे, तैयार कर देंगे, काजी से बात करते हैं, इनसे पूछ लो। मैं डॉक्टर बिजलाल कुमार सिंह हूँ, जनरल सर्जन ऐसे जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ हम गीता देवी मेडिकल हॉस्पिटल। बुधवार के एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट थी और लगभग 50 साल 59 ईयर ओल्ड थी, मतलब उम्र है नब्बे। उनको है कि जांच करने के बाद पाया गया कि उनको हाथ का हड्डी है फ्रैक्चर था। उसको ऑपरेशन के लिए प्लान किए, ऑपरेशन के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा फॉलो किए। जो अगर रिक्वायरमेंट था जैसे ब्लड का जरूरत था तो ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको ऑपरेशन का प्लान किया।
उसी बीच में एक इमरजेंसी केस आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। उस दिन तीन या चार केस हुए, तो लास्ट में उनका नाम था, उनको पोस्टपोन किए क्योंकि इमरजेंसी था ही नहीं। नेक्स्ट डे बोलिए ठीक है कोई इलेक्टिव केस है, कोई इमरजेंसी नहीं है, नेक्स्ट डे कर देंगे। नेक्स्ट डे भी जो अर्ली मॉर्निंग है जो छोटे केस थे उसको करके उनको थर्ड केस उनको रखे थे। शिफ्ट करते समय उनका सडन अचानक हुआ कि कंडीशन खराब हुआ, मतलब एक तरह से हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद उनका कंडीशन खराब हुआ। परिजन का कहना है कि ऑपरेशन से पहले उनको भूखा रखा जाता, तो इस तरह से कंडीशन तीन दिन तक भूखे हो गए। कोई तीन दिन से नहीं रहता, मरीज आएंगे तीन दिन, जैसे बुधवार को शाम को आए। कवाची सर ये बताएंगे, यहाँ पर सील करने की बात चल रही है आपके हॉस्पिटल को, क्या करना चाहिए इस मामले में? नहीं, ये तो तानाशाही है। किस तरह के तानाशाही? इसमें तानाशाही अननेसेसरी, बिना जांच किए बिना कैसे सील कर सकते हैं, कौन सी ह्यूमिनिटी है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।